सहरसा में निसाय बच्चों के साथ मिलकर पत्रकारों ने जन्मदिन मनाया। आपको बता दें कि डेली बिहार वेब पोर्टल के संपादक आशीष कुमार झा का जन्मदिन सहरसा रेलवे स्टेशन पर गरीब बच्चों के बीच मनाया गया। संपादक आशीष झा का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और लोगों के बीच खुशियां बांटी गईं। संपादक के जन्मदिन के अवसर पर जिले के पत्रकार सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे और इस मौके पर आशीष झा ने कहा कि हम सबों को मिलजुल कर रहना चाहिए और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। जन्मदिन माने पाते हैं गरीब गुरुओं के बीच में, क्या कहेंगे आप? कहेंगे यही, गरीब गुरुआ की मदद करना चाहिए, सब लोग को मदद करना चाहिए। रोटी बैंक का जो कार्यक्रम जो बहुत कार सराहनीय है, गरीब गुरुआ के साथ पेट करके खाना भी चाहिए। हाँ, खाना चाहिए एकदम। नाम क्या हुआ? करना चाहिए किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। पूरे भार विकास खंड के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध देवस्थलीय करिया बजना पर हर वर्ष की तरह दिसंबर माह में होने वाले भव्य मेले का आयोजन इस बार भी हुआ, जिसमें दूर दूर के श्रद्धालुओं ने पहुंचकर हलवा पुड़ी का प्रसाद चढ़ाते हुए सच्चे मन से पूजा अर्चना की। वहीं लोगों का मानना है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मुरादें मांगते हैं उनकी हर मुराद पूर्ण होती है। और भक्तों ने बताया यहाँ पर लोग अपने बच्चों का मुंडन संस्कार भी कराते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि साल भर में 6 भव्य मेले लगते हैं जो जुलाई और साल के दिसंबर माह में लगते हैं, जिसमें अन्य जनपद के भी लोग आते हैं और दर्शन कर मेले का लुत्फ उठाते हैं। खागा में जीटी रोड मानो के पुरवा में सरस्वती हॉस्पिटल के सामने जलभराव होने के कारण आसपास बने मकानों का पानी नहीं निकल पाता, क्योंकि नाले की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए घरों का पानी जीटी रोड में बहता रहता है। राहगीरों की गाड़ियां और साइकिल आए दिन स्लिप खाकर गिर जाती हैं, लोग चोट खा जाते हैं, हॉस्पिटल में मरीज आते जाते रहते हैं, उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगर पंचायत में मोहल्ले वासियों ने नाली बनवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ। शायद नगर पंचायत बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रही है। नाम भाई साहब आप? क्या समस्या है? नाले की समस्या। नाली की समस्या? कौन सी नाली? जो आपके घर बाहर निकलती है? हाँ, बाहर निकलती है। क्या पानी का निकास नहीं है? ना। आपने नगर पंचायत में? हाँ, नगर पंचायत को अप्लीकेशन दे दिया। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास जगह नहीं है, तालाब का नंबर बताइए। हमने तालाब का नंबर भी बता दिया। फिर उन्होंने क्या कहा? फिर उन्होंने ये कहा कि शासन को भेज रखा है, वहाँ से आदेश आए तब तक। मैंने कहा मैं रोड पे पानी छोड़ता हूँ, ये कह के मैं चला रहा हूँ। तो उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया कि कब तक नाली बन जाएगी? ना, आश्वासन कुल नहीं दिया। शासन से पास होगा तभी हम कार्रवाई करेंगे, ये कहा। रोड पर पानी भरा रहता है, इसमें से तो दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। इसके क्या किया जाए? गंदा पानी कहाँ पे रखें? घर के अंदर तो रख नहीं सकते, बाहर डालना ही पड़ेगा। कौशाम्बी सरातो विकासखंड के बमरौली ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए कंबल, स्वेटर, इनर वितरण किया गया। बमरौली निवासी पूर्व प्रधानपति सोमचंद द्विवेदी और बेसिक शिक्षा अधिकारी पद से रिटायर्ड ने गरीब बेसहारा लोगों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए कंबल वितरण किया। इस मौके पर इंजीनियर शीलू, डॉक्टर विनय कुमार द्विवेदी, आरती संपत्ति द्विवेदी, सुभाष चंद्र तिवारी, इंद्रजीत तिवारी, पप्पू पटेल, नंदलाल पटेल, हेमराज यादव, दीपू यादव, जगन्नाथ, शिव विशाल, सरोज राम मिलन, प्रजापति, अविनाश तिवारी, सुरेश तिवारी, बबलू यादव, राजेश कुमार, इंद्रजीत तिवारी सहित मौजूद रहे। बताइए, आप ठंडी के निजात देखते हुए कम्बल वितरण कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है? मैं सोमचंद द्विवेदी, सेवानिवृत्त बेसिक शिक्षा अधिकारी, विगत 16 वर्षों से अपने पेंशन की धनराशि से जननी जन्मभूमि स्वर्गादित व्यक्ति को दृष्टिकोण में रखते हुए अपने ग्राम सभा बमरौली के 7 मजरों करीब 1500 लोगों को मैं कम्बल विगत वर्षों की भांति हर वर्ष बांटता हूँ। इस वर्ष भी दाल, कम्बल, स्वेटर मैंने लगभग 1500 लोगों को वितरित कर चुका हूँ, और ये मैं अपने पेंशन के पैसे से करता हूँ। और इस समय कोरोना और गरीबी से, ठंडक से परेशान गरीबों के लिए ये मेरी दृष्टि में बहुत राहत का कार्य होगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। कौशाम्बी कोखरास थाना क्षेत्र मूरतगंज में तैनात चौकी इंचार्ज सूबेदार बिंद एक कर्मठशील और ईमानदार छवि रखने वाले दरोगा थे। सूबेदार बिंद का स्थानांतरण प्रदेश सरकार द्वारा चित्रकूट कर्मी के लिए किया गया।
सूबेदार बिंद को क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने शुक्रवार को फूल माला पहनाकर उन्हें मंगल कामना के साथ विदा किया। इस मौके पर सूबेदार बिंद ने कहा कि क्षेत्र के लोगों का मुझे बहुत सम्मान मिला। अपराध और अपराधियों पर हमेशा उनकी कड़ी नजर और गांव के लोगों के लिए लाभदायक हुई। उन्होंने कभी भी निर्दोष को सताया नहीं। आज दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए जा रहा हूं, लेकिन मूरतगंज के स्थानीय लोगों की याद मेरे दिल पर बनी रहेगी। पश्चिमी चंपारण प्रखंड बघाई के अंतर्गत पतिलार पंचायत के पतिलार चौतरवा मेन सड़क पतिलार चौक पर शनिवार की दोपहर विद्युत पोल टूट जाने के कारण विद्युत की सप्लाई बंद हो गई थी, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग को दूरभाष पर सूचना दी, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही से विद्युत पोल को आज मंगलवार तक दुरुस्त नहीं किया गया, जिसको लेकर हम सभी उपभोक्ता सड़कों को अवरुद्ध कर दिए हैं। उक्त बातें पतिलार पंचायत के समाज सेवी दिनेश तिवारी ने कही। लाइट नहीं आ रही है, चार रोड से यहाँ पे पोल गिरा के ना कोई जेई सुन रहा है ना कोई आगे का प्रभारी सुन रहा है, इसी से हम लोग जाम लगाए। जाम लगाने से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? हाँ, हाँ, अभी बोले हैं लोग कि आधे घंटे में हम लगवा रहे हैं। हाँ, नहीं लगाएंगे फिर हम जाम लगाएंगे। अच्छा। पूरी दिन लगाते रहेंगे जाम। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश तिवारी, पटलाद बगान। पश्चिमी चंपारण के रामनगर रेन बसेरा का शुभारंभ जदयू नगर इकाई प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष सह वार्ड पार्षद पूनम द्विवेदी ने फीता काटकर किया। साथ ही जानकारी देते हुए कहा कि रामनगर में गरीबों के ठहरने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। नगर पंचायत द्वारा रात्रि विश्राम के लिए मुफ्त रेन बसेरा का शुभारंभ किया गया और ठंड को देखते हुए बिछावन और कम्बल की व्यवस्था की गई। हमारे नगर विकास एवं आवास विभाग के MULM के तहत नगर पंचायत रामनगर के द्वारा ये अस्थाई रैन बसेरा मनाया गया है। ये रैन बसेरा उन लोगों के लिए है जो कि आश्रय विहीन हैं, कोई आते हैं किसी काम के लिए लेकिन उनके पास ठहरने के लिए स्थान नहीं रहता है, तो उसके लिए हमारे नगर प्रशासन रामनगर के द्वारा क्या एक चीज आप बताएं सर, क्या बाहर से आने वाले लोगों के लिए है या फिर यहाँ जो आश्रय विहीन है उन लोगों के लिए भी इसमें सुविधा दिया जा रहा है? वो लोग भी आकर के इसमें ठहर सकते हैं, अपना रात भी बिता सकते हैं और इसमें वो कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है। हाँ, इसमें कहीं कोई ये क्राइटेरिया नहीं बना हुआ है। जो भी आश्रय विहीन है जिनको रहने के लिए स्थान नहीं है, मान लीजिए कोई यात्री रात को 12 बजे कोई यात्री अगर आते हैं या कोई हॉस्पिटल में आते हैं उनको कहीं ठहरने के लिए स्थान नहीं है, तो वो लोग आकर के यहाँ पे अपना रात बिता सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ठहरने के लिए तोशक तकिया कंबल रजाई चादर सभी चीज़ें, अभी फिलहाल इसमें भोजन का व्यवस्था नहीं किया गया है लेकिन भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसकी भी व्यवस्था करने के संबंध में। एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे, काफ़ी अभी शीतलहर का माहौल चल रहा है और इसमें जो कंबल लगाया गया है बिल्कुल पतला कंबल है, तो क्या ठंड के माहौल में इतने पतले कंबल के साथ कोई रात बिता सकता है? अगर आवश्यकता पड़ेगी, अगर मांग की जाएगी तो उसके बाद हम लोग और एक्स्ट्रा भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे कंबल।